आदाब दोस्तों, मैं कामरान, आप देखना शुरू कर चुके हैं K4U न्यूज़। दोस्तों अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली शाही ईदगाह में। आपको मैं बता दूँ, देखिए वक्फ बोर्ड की बदमाशी, DDA का ईदगाह की ज़मीन पर कब्ज़ा, रानी झांसी की मूर्ति का यहाँ पर किया जाएगा निर्माण। हमारे साथ कुछ युवा हैं, ये तीन लाइन जो है मैंने आपसे कहा, ये सारा यही मुद्दा है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इनकलाब भी इस पूरे मामले पे उन्होंने एक रिपोर्ट शाया किया है, छापा है, वो भी मैं स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा कि वो क्या कुछ लिखे हैं वो इस मामले को लेकर। ऑलरेडी हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि अब हमें ये ज़मीन हमारी नहीं है, DDA को ये ज़मीन दे दी जाए। और यही वजह है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा, यहाँ पर रानी झांसी की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर पूरी दिल्ली पुलिस जो है वो भी मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक युवा है, बताइए ये विस्तार से ये क्या है पूरा मामला। मामला ये है भाई, ये जबरदस्ती हो रही है। कैसी जबरदस्ती? पूरा डिटेल में थोड़ा हमको बताएं, विस्तार से बताएं क्या है पूरा मामला। भाई ये बदमाशी चल रही है खुली खुली। कैसी बदमाशी? ये बदमाशी नहीं होता, हाईकोर्ट ने अभी केस चल लिया यहाँ पर, तुम आगे सरकार को भेज के यहाँ अपनी बदमाशी दिखा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की गलती है, उनकी बदमाशी है। वो कह रहा है कि हमारी जगह नहीं है वो, तो फिर नहीं होगी ना जब बात वक्फ बोर्ड। तो ये जबरदस्ती तो हो रही है सर, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी जगह नहीं है। हाँ तो फिर यही तो चाहूं मैं। लोग तोड़ रहे हैं ये, जबरदस्ती वाली बात है। किन के आदेश पे हो रहा है ये? नेता भी तय कर रहा है यहाँ के जो है। तो ये काम कब से खुली? ये आज आई है पुलिस बहुत चारों तरफ से। ये यही नहीं, ये पूरा इलाका घेर रखा है इन्होंने, पूरे रास्ते बंद कर रखे इन्होंने। ये कौन सा जगह? फैज रोड। ये फैज रोड नीचे पड़ता है। अच्छा। ये ईदगाह रोड, ये भी ईदगाह रोड, पेट्रोल पंप कहलाया जाता है ईदगाह रोड का, है ना। तो आइए अब हमारे साथ एक भाई साहब हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे, क्या है ये पूरा विवाद, क्यों वक्फ बोर्ड पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो DDO को ज़मीन दी। वक्फ बोर्ड की तो बदमाशी है कि वक्फ बोर्ड आज से चंद साल कबल ये कह रहा था कि ये जगह हमारी है, और हम सीना ठोक के कह रहा था कि हम ये जगह ले लेंगे, लेकिन अब खुद वक्फ बोर्ड ही बिक चुका है। और पता नहीं क्या सांठगांठ हुई है कि वक्फ बोर्ड ने अदालत में जाकर ये कह दिया है कि जगह DDA की है। हालांकि इससे पहले DDA खुद हम लोगों से जगह मांगता था कि जगह दे दीजिए, तीन मकामात की निशानदेही की गई थी, जो आज इनकलाब ने छापा भी है उसको। और DDA ने खुद ये कहा कि भाई तीन जगह में से एक जगह हमें दे दीजिए ताकि आप अपनी जो रानी झांसी की मूर्ति हम नसब कर सकें, लेकिन हम लोग मना कर दिए। आज जो है वक्फ बोर्ड के कहने की वजह से आप ज़मीन उसको दे दिए DDA को, और ज़बरदस्ती का कब्ज़ा उन्होंने कर दीवार तोड़ कर यहाँ पर साफ दिखाई है, दीवार भी तोड़ दिखा दी और दीवार भी तोड़ दी गई है, पतरा भी घेर दिया गया, JCB घुसाकर ज़बरदस्ती वहाँ पर खड्डा कर किया और उस मूर्ति को नसब किया जा रहा है। और हालांकि ये किन के आदेश? ये आदेश हाईकोर्ट ने इसका फैसला दिया है, और हालांकि हमारे पास सारे क्या ये अवैध अतिक्रमण हम इसको कहेंगे, ये अवैध बिल्कुल, ये ज़बरदस्ती कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको। हालांकि हम लोग भी कागज़ जो है हाईकोर्ट में पेश कर चुके हैं, और 90 एकड़ ज़मीन तकरीबन जो ईदगाह के पास है, वो सारे के कागजात मौजूद हमारे पास, हमने भी कागज़ दिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड ने कह दिया बस जगह दे दिया आपने, ये कहाँ का इंसाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इस मामले को लेकर? हाई कोर्ट ही पर इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। जी आगे भी बढ़ेंगे। ये पूरा जो जगह है, ये पूरा जो विवाद का कारण है वो क्या है? ये विवाद का कारण ये है कि यहाँ पर जो है रानी झांसी की मूर्ति उन लोगों को लगाना है, और हम लोग मना किए। इससे पहले भी ये लोग आए थे लगाने के लिए, लेकिन हम लोग कुछ लोग आए जमा हुए और उसको मना किया तो लोग चले गए। लेकिन अब जो है ताकत के बलबूते पर, और जो वक्फ बोर्ड को क्या दे दिया उन्होंने, वक्फ बोर्ड ने कहा हमारी जगह नहीं है और बनाना शुरू कर दिया। आज जो है सुबह सुबह जब हम फजर की नमाज़ पढ़ने उठे, देखें कि भाई ईदगाह के चारों साइड पुलिस और आर्मी का एक जत्था लगा हुआ है और पूरी ईदगाह को घेर रखा है, और उसके बाद जो है पुलिस की मौजूदगी में कस्टडी के अंदर ये काम कराया जा रहा है। क्या परिचय आपका? नाम? मेरा नाम अरशद हुआ, मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ आज से। नहीं जी, क्या कहना चाहेंगे, ये जो विवाद है क्यों है, क्या कारण? ये बहुत गलत हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है। कैसी गलती? किस बात का गलत? गलती है ईदगाह की जगह है, ईदगाह की जगह होने मौजूद है, फिर इसको यहाँ पर ज़बरदस्ती रानी झांसी बोल के लगाने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन अभी पता चला कि ये मामला जो है ऑलरेडी कोर्ट में था, और वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारी ज़मीन नहीं है, सो DDA को दे दी जाए, वो चाहे तो अपना DDA को दे दिए जाए। वो वक्फ बोर्ड से बोला है, उसने वक्फ बोर्ड बोल रहा है हमारी जगह है, वक्फ बोर्ड से DDO को माना करा है उसने, DDO दिखा नहीं पाई कागज। तो देखिए अब तो काम हो गया है, JCB वगैरह चल रहा है यहाँ पे, बुलडोजर चल रही है, प्रशासन की पूरी सेना, पूरी टीम यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप लोग क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? क्या एक्शन लेंगे? कोर्ट में गए हुए कुछ लोग, कोर्ट में बोले क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ के लोगों से, और लोग बता रहे थे और काफ़ी खफा, काफ़ी नाराज़ हैं यहाँ के गवर्नमेंट से, और ख़ास करके हाई कोर्ट का इस फैसले का लोग विखंडन कर रहे हैं। एक बहुत
बराबर एक अल्पसंख्यक समाज जो है विरोध किया। भाई तानाशाही चल रही है, कैसी तानाशाही देख रहे हो, खुला खुला हो रही है, आपके सामने हो रहा है जो भी हो रहा है। इस तो कोर्ट के आदेश पे हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है सर, कोर्ट ने कहा है ना, तो प्लस वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारी जमीन नहीं है, तो जमीन नहीं है तो फिर ऐसा थोड़ी होना चाहिए। जितना हिंदू है यहाँ पर उतना मुसलमान भी है, देखो हिंदुओं ने अपनी कुर्बानी दी है तो मुसलमानों ने भी दी है सर, के लिए बराबर करो तो बराबर करो, नहीं तो करो मत। हिंदू मुसलमान तो भाई भाई है, देखो मैं तो ये जानता हूँ ये जो हो रही है नाजायज हो रही है। तो हमने बातचीत की अलग अलग लोगों से और जाना ये क्या है पूरा मामला, आप देख रहे थे केफ न्यूज़। सबसे पहले इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।